नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्चर एट जेस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 20 जून सन 2023, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ के विश्व समाचार के बारे में। US मिडवेस्ट में शुष्क मौसम के कारण पिता रोनेक्स गेहूँ की बढ़ती कीमतों में का कारण बना है। यह गेहूँ सोमवार को तेजी लाया है। वही यूरोप में बारिश के कारण स्थिति में राहत आई है और अल्जीरिया आयात निविदा में उद्दिष्ट प्रतिस्पर्धी कीमतों में सीमित लाभ हुआ। जर्मनी में लगातार सूखापन के कारण चिंता बढ़ी है। रस केंद्रित कृषि परामर्श सोवेकॉन ने बताया है कि जून में गेहूं की कुल निर्यात 3 मिलियन टन होने की उम्मीद है। नई गेहूं की फसल की कीमत में लगभग 12.5% प्रोटीन सामग्री के साथ वृद्धि हुई है। जुलाई में बोर्ड पर मुफ्त वितरित की गई गेहूं की कीमत $228 प्रति टन है। अल्जीरिया ने बंद हर अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में मिलिंग की खरीद शुरू की है। आरंभिक खरीद की कीमत $261.5 प्रति मैट्रिक टन है। सऊदी अरब ने अगस्त से दिसंबर के शिपमेंट की अवधि के लिए 355,000 टन गेहूं खरीदा है। जापान के कृषि वाणिज्य एवं मलय पालन संचालन द्वारा एक साथ खरीद और बिक्री नीलामी में फ्री गुणवत्ता वाले गेहूं या जौ के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में गेहूं समाचार की खबरों हमारे साथ शेयर की गई। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।